नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, लेक्चर थ्री एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस की, जो लेक्चर थ्री लेके आया हूँ अभी वीडियो, इसमें हम देखेंगे इसके, अगर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल, क्रिया का प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, और पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ इन ट्रेसेस, डिफ्लेक्शन, कैस्टिगलियोनियस थ्योरम फर्स्ट और सेकंड, और डिफरेंट डिफरेंट इनके एप्लीकेशंस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो गेट के पेपर में या एसएससी जेई के पेपर में पूछे गए हैं, एसएससी जेई मेंस के, वो सब इसमें कवर अप करेंगे हम। और साथ के साथ आपको ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कैसे उसको फेस करना है, वो सब इसमें बता दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको याद हो जाते हुए मैंने अपनी वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, आपने वो किया भी होगा ट्राई। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करना क्या है। कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 में मुझे इन मेंबर्स में मुझे फोर्सेस निकालना है। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सपोर्ट रिएक्शंस निकालना, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि पूरा का पूरा ट्रस एक सिमेट्रिकल ट्रस है, जिसपे टोटल लोड कितना लग रहा है, 30 किलो न्यूटन प्लस 15 किलो न्यूटन प्लस 30 किलो न्यूटन, तो ये हो गया 75 किलो न्यूटन। तो दोनों जगह पे मेरे जो रिएक्शंस आएंगी वो क्या आ जाएंगी, हाफ हाफ, 30 ये हो जाएगी 75/2। यहाँ पे आ गई, दोनों जगह हाफ हाफ रिएक्शंस हो गई। मेरे को VA, इसको अगर हम A कह दे तो ये VA मिल गया, ये हमारा ले लेते हैं B, C, D, E, F, G, तो ये हो गया मेरा VG, क्योंकि इस पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है। तो HA, HG दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, जीरो डी। ये मेरी टोटल रिएक्शंस आ गई, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे स्टेप्स की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप कह रहा है कि हमें 1, 2, 3 और 4 में मुझे वो निकालनी है फोर्सेस। तो इंटरमीडिएट मेंबर में जब भी मुझे फोर्सेस निकालने में क्या लगा दूंगा, मेथड ऑफ सेक्शन। तो मैंने इनको कुछ इस प्रकार काटा, पहले 1-1 की बात कर रहे हैं, तो मैंने 1-1 को काट दिया 1-1 से ही। 1 मेंबर को जब मैंने 1-1 से काटा, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, 1 और 2 मेंबर तो इस पे मिल रहे, थर्ड नहीं मिल रहे, और अगर इस जॉइंट की बात करूं मैं तो 2 और 3 मेंबर इसमें मिल रहे हैं बट 1 नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही कुछ कहा था कि मेंबर को इस प्रकार काटना है कि 2 से ज्यादा मेंबर एक जगह पे मीट ना करें। अब मैं निकाल रहा हूं FCD, यानी कि मुझे 1 मेंबर में फोर्स निकालना है। तो मैंने इसको किससे कट किया है, 1-1 से। तो अगर मैं इस 1-1 के LHS का, इस 1-1 के LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का अगर मैं इक्विलिब्रियम कंसिडर करूं, तो मैं समीशन और नाम दे देते हैं जी एच आई जे के एल आई जे के एल। अब मुझे अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कंसिडर करता हूं, तो मेरा कुछ इस प्रकार के जॉइंट को अगर आप देखो तो कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे, ये ऐसे, और ये जो फोर्स मैंने काटा था ये कुछ इस प्रकार कटे हुए दिखाई देंगे आपको। तो टेंसाइल मेरे को 1 मेंबर में मैंने ले लिया FCD, सी के मेंबर में मैंने ले लिया FCK, FKL, क्योंकि मुझे FCD निकालना है, यानी कि फर्स्ट मेंबर को अगर मैं यहां पे मूवमेंट लगा दूं तो इन दोनों की मूवमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो मेरा समेशन MK=0 अप्लाई किया मैंने, तो समेशन MK=0 जैसे ही अप्लाई किया तो मेरा आ गया यहाँ पे जो VA फोर्स लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, ये पूरा बीम कुछ इस प्रकार था, यहाँ पे कुछ ऐसे था। तो ये VA फोर्स, VA कितना लग रहा है मेरा, 75/2।
75/2। तो अगर इसको चेक किया जाए तो 75/2 मेरा वी ए हो गया, तो 75/2 इंटू में इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और 75/2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 4 ये है और 4 ये है, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो 8 माइनस प्लस ही होएगा, क्योंकि मैंने इसको भी क्या लिया है एंटी क्लॉकवाइज, वी ए भी उसी में ही है, वी सी डी भी उसी में ही है, तो के पॉइंट पे ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस हो जाएगा। एफ सी डी और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 मीटर इक्वल्स टू 0, तो यहां से सॉल्व करके एफ सी डी कितना आ जाएगा आपका 75 किलो न्यूटन। एफ सी डी आ गया 75 किलो न्यूटन, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो मैंने जो माना था, तो फोर्स इन मेंबर एफ सी डी क्या हो गया, टेंसाइल, क्योंकि जॉइंट पे क्या है ये टेंसाइल, जो पॉइंट पे जॉइंट अगर एरो बाहर को हो तो वो टेंसाइल है, जॉइंट पे पॉइंट इनवर्ड हो टूवर्ड्स द जॉइंट हो तो वो कंप्रेसिव है। नेक्स्ट मेंबर सेकंड की बात करें हम, एफ पहले थर्ड निकाल लेते हैं, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो मैं जॉइंट कौन सा कंसिडर करूंगा, इसको नाम दिया था हमने एल, तो मैंने कंसिडर कर लिया जॉइंट एल, और जॉइंट एल पे अगर मैं कंसिडर करके चलूं तो मेरा समेशन एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एक्स इक्वल्स टू 0 जैसे ही लगाया मैंने, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है समेशन एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स है मेरा 75, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस एफ के एल कोस, और थीटा कैसे निकालूंगा अगर मैं इसको करूं, ऊपर ये 1 था नीचे 4 है, तो कोस थीटा 1/4, तो जो किसके बराबर आ जाएगा 14.03 डिग्री के इक्वल्स टू 0, तो यहां से मेरा एफ के एल निकल जाएगा 77.3 किलो न्यूटन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी मेंबर में क्या हो गया, टेंसाइल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब हमें निकालना है मेंबर एफ सी के, एफ सी के में कैसे निकाल सकता हूं मैं, समीशन वाई जीरो करके, एफ सी के में अगर मैं फोर्सेज निकाल रहा हूं तो क्या कर दूंगा, समीशन वाई इक्वल्स टू 0, समीशन वाई इक्वल्स टू 0, और अप्लाई कहां करूंगा, सी पॉइंट पे, तो कौन कौन से फोर्सेज हैं, ये 75/2 लग रहा है साथ में, ये 75/2 लग रहा है, और 30 किलो न्यूटन यहाँ पे लगा हुआ था वो अप्लाई होएगा, उसके अलावा सी एल मेंबर का लगा हुआ है, सी एल मेंबर में हमारा कितना है 77.77, सी एल तो एक इक्विलिब्रियम है, एफ के एल का लगा हुआ है और जिसका साइन कंपोनेंट रहा ये, और उसके बाद एफ सी के, तो मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो हो गया 75/2। अब मैं लोड ले रहा हूँ ना कि मूवमेंट, तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये अपवर्ड है 30 डाउनवर्ड है, तो -30 एफ के एल, जो एफ के एल है वो जो सॉल्व करके आया था वो एफ के एल मेरा आया था, ये कंप्रेसिव आएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड अपवर्ड है, तो ये एफ के एल हो जाएगा मेरा प्लस कर गई, कंप्रेसिव आएगा ना कि टेंसाइल, तो ये -77.3 साइन 14.03 ये हो गया। उसके बाद एफ सी के ही तो निकालना है, तो एफ सी के भी प्लस हो गया इक्वल्स टू 0, सॉल्व करके आपका एफ सी के कितना आ गया, सॉल्व करके आपको एफ सी के मिलेगा 11.2 किलो न्यूटन, और ये होगा टेंसाइल, एफ सी के क्या हो जाएगा 11 किलो न्यूटन टेंसाइल।
नेक्स्ट हमारा जो लास्ट मेंबर बच गया है वो बच गया है एफ सी एल निकालना, इस मेंबर में रिएक्शंस निकालना। तो इस मेंबर में अब मैं कंसिडर मेथड ऑफ सेक्शन ना करके मेथड ऑफ जॉइंट कंसिडर करूंगा, क्योंकि अब ये इक्विलिब्रियम नहीं रखना है, इसके अंदर जो फोर्स है वो भी निकालना है। तो जैसे ही मैंने मेथड ऑफ जॉइंट सी पे लगाया, फिर से समेशन वाई इक्वल्स टू जीरो किया। अब जॉइंट की बात हो रही है ना कि सेक्शन की, तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी, अब इक्वेशन दूसरी बनेगी। नीचे 30 किलो न्यूटन ही कंसिडर करके चलेंगे, ऊपर एफ के एल 11.2 कंसिडर होएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस 30 प्लस 11.2 प्लस, अगर इसमें भी मैं टेंसाइल ले लेता हूँ तो एफ सी एल और इसका कौन सा कंपोनेंट हो गया साइन। अब थीटा भी चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइट है 3, ये है 4, तो 10 थीटा हो गया 3/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 36.37 डिग्री और वो हो गया 0 के बराबर। तो मेरा एफ सी एल क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ सी एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 31.25 और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 31.25 किलोन्यूटन टेंसाइल। आई होप आपका न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। ये था न्यूमेरिकल जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल, नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है क्या, ये स्टेट करता है, ये बताता है, अगर इसके नाम से देखे ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिस मतलब एक लोड को हम एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसमिट भी कर दे तो उसके कारण एक्सटर्नली कोई इफेक्ट ना आए, उसी को कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी अपने आप ही नाम बता रहा है कि ट्रांसफर करने से संबंध है कुछ। तो ये कह रहा है इट इज स्टेट दैट द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नॉट चेंज्ड व्हेन इट इज आउट प्लेस्ड एनीवेयर अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन, बट द इंटरनल इफेक्ट में चेंज। इंटरनल इफेक्ट चेंज हो सकता है लेकिन एक्सटर्नल इफेक्ट चेंज नहीं होगा। कैसे, एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। ये आपको एक बार दी गई थी और इस पे एक लोड ये टेंसाइल अप्लाई किया हमने, मैंने दोनों अलग अलग कलर इसलिए लिया था कि आपको इजी रहे। मैंने पहले टेंसाइल लोड लगाए थे, इक्वल है पी पी के, तो ये इस समय इक्विलिब्रियम में है। एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है इसका, इक्विलिब्रियम है, ये अपनी जगह से नहीं लेगा, दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स इस पे लग रहे हैं तो ये अपनी जगह पे अभी इक्विलिब्रियम में। मैंने इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या थी, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस बार, या कहो कि सेंट्रल लाइन ऑफ दिस बार, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ दिस बार, इसी के तहत इसी लाइन पे मैंने इसका पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज कर दिया, जो कि ये कह रहा था कि चेंज द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ व्हेन इट इज आउट प्लेस्ड एवरीवेयर एनीवेयर अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। उसी लाइन ऑफ एक्शन पे मैंने इसको यहाँ की बजाय यहाँ अप्लाई करा दिया, सिमिलरली लोड को भी मैंने यहाँ अप्लाई करा दिया, अभी भी इसकी वैल्यू उतनी है, पी ही अप्लाई हो रहा है, बट इस बार पे इक्विलिब्रियम कंसीडर तो है, एक्सटर्नली कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि अभी भी ये क्या है इक्विलिब्रियम में, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, बट इंटरनल इफेक्ट देखा जाए तो फर्स्ट बार में हो रही है टेंशन और सेकेंड बार में आपको मिल रही है कंप्रेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये आपको एक बीम दिया हुआ था, सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे यूडीएल लगा हुआ है, मान लो ये यूडीएल है डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर का, और सिमिलरली सेम लेंथ का, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम एरिया का एक और बीम आपको मिला है जिस पे लोड लगा हुआ है डब्लू एल। ये डब्लू एल लोड किसके बराबर है, क्योंकि अगर इसकी लेंथ एल है तो आपको पता चलेगा कि इस पे टोटल लोड कितना लग रहा है बीम पे, W इंटू में एल डब्ल्यू एल, तो उतना ही लोड मैंने सेंटर में अप्लाई कर दिया। आप हमें पता है कि जब भी W यूडीएल का केस लेके चलते हैं तो हम पूरा लोड कहाँ मान लेते हैं, सेंटर लाइन सेंटर पे। तो इस केस में तो हमारा बेंडिंग मोमेंट जो कि एक इंटरनल इफेक्ट है क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, बट इस केस में ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हमारा चेंज हो रहा है, ये अभी एल बाय 2 था, ये एल बाय 2। तो दोनों केसेस में देखो
इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट आई है यूडीएल के केस में सिंपली सपोर्टेड में पॉइंट लोड के केस से हाफ है एकदम। तो ये था इंटरनल इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट दोनों में सेम है कि जितना लोड मैंने इस पे अप्लाई किया था उतना ही लोड मैंने इस बीम में अप्लाई किया। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्लियर हो गया। तो ये था पहला चैप्टर ट्रसेस का, जिसमें हमने पढ़ा कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट से। अब जो टॉपिक चेक करेंगे हम वो क्या है, डिफ्लेक्शन इन ट्रसेस। और डिफ्लेक्शन इन ट्रसेस से पहले हम कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं, इसी को कहते हैं यूनिट लोड मेथड, यूनिट लोड मेथड। अब ये स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है, स्ट्रेन एनर्जी क्या है, इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू स्ट्रेनिंग ऑफ योर बॉडी। अगर हम किसी बॉडी को कोई स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस डालेंगे तो स्ट्रेन जरूर आएगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। जैसे ही मैंने या तो टेंसाइल लगाया तो खींचा हुआ आएगा और बॉडी क्या होगी, इंक्रीज लेंथ। अगर मैं कंप्रेशन लगाता हूँ बॉडी क्या होगी, वो लेंथ क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि नाम ही बता रहा कंप्रेशन। तो उस समय क्या आ गया, उस बॉडी में स्ट्रेन आ गया, लेंथ का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। तो जब स्ट्रेन उसमें क्रिएट हो रहा है तो एक एनर्जी आएगी, उसी को कहते हैं हम स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या, इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू स्ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी। तो एक और एनर्जी, एनर्जी का दूसरा नाम है रेजिलेंस। रेजिलेंस कौन सी एनर्जी है, तो अगर मैंने सोम में एक टॉपिक कराया था आपको और वहां बताया था, अगर मैं एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊं तो मेरा कुछ इस प्रकार बन जाता है। जनरल टर्म ले लिया, ये माइल्ड स्टील का नहीं है, तो ये माइल्ड स्टील का नहीं है, ये एल्यूमिनियम का ले सकते हो, कॉपर का ले सकते हो। तो इस केस में क्या है, मेरा एक पॉइंट तक मेरा क्या है, लिमिट पॉइंट है, वहां तक जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, वहां तक जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको कहते हैं हम रेजिलेंस। इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी, उसको क्या कहेंगे हम, रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी डेट कैन बी स्टोर्ड अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये हो गई मेरी प्रूफ रेजिलेंस, और पूरा जो स्ट्रेन एनर्जी होती है स्टोर्ड उसको कहते हैं रेजिलेंस। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अगर मैं प्रूफ रेजिलेंस को पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करूं, क्योंकि बॉडी क्या है हमारी 3D बॉडी है, कोई भी अगर बार लेते हैं हम 3D होगा, तो अगर मैं उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी रेजिलेंस एनर्जी मीन्स कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुई है तो उसको चेक करूँ, वो हो जाएगा मेरा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो होती है टफनेस। पूरी की पूरी कंसिडर कर लूँ मैं, अभी तक तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक चेक किया था, अगर मैं पूरे एंड फ्रैक्चर पॉइंट तक स्ट्रेन एनर्जी कंसिडर करता हूँ, मैं जो स्ट्रेन एनर्जी फ्रैक्चर पॉइंट तक स्टोर हुई है उसको कहते हैं हम टफनेस, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर। ऐसे ही जैसे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है वैसे मॉडुलस ऑफ टफनेस है, वो क्या होगा मेरा, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम इज कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम स्टोर हुई है, और जो फ्रैक्चर तक की बात हो रही है उसकी बात हो रही है मॉडुलस ऑफ टफनेस। जो नेक्स्ट है वो कह रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकाले हम। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड एक्सियल लोड इज गिवन बाय। स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो किसके द्वारा दी जाती है, फॉर्मूला आपका है एरिया ऑफ द लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व। देखते हैं कैसे, दोबारा पढ़ते हैं इसको, कि स्ट्रेन एनर्जी एक्सियली लोडेड मेंबर, ग्रेजुअली एक्सियली लोडेड मेंबर के लिए स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे। ये आपका एक मेंबर दिया हुआ था, इस पे मैंने W लोड ग्रेजुअली अप्लाई किया, ग्रेजुअली अप्लाई किया तो इसमें क्या आ जाएगी, स्ट्रेन आएगी, डिफ्लेक्शन आई, मान लो यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये डेल्टा डिफ्लेक्शन आ गई। टोटल लेंथ इसकी थी L, टोटल लेंथ L है और एरिया A है, तो इसमें डिफ्लेक्शन कितनी आ गई, डेल्टा। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है तो धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ेगा, धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ेगा, ये मेरा लोड है, ये स्ट्रेन डिफ्लेक्शन है, तो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व में जैसे जैसे लोड बढ़ाऊंगा मैं वैसे वैसे मेरा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। यही होता है ग्रेजुअली अप्लाई लोड का केस। इस केस में जो डिफ्लेक्शन आएगी वो होता है डब्ल्यू एल बाय एई, डब्ल्यू एल बाय एई, ये मेरा डिफ्लेक्शन है।
डेल्टा जिसे मैं कह रहा हूँ, तो डिफ्लेक्शन मेरा डब्ल्यू एल बाई ए ही, और यहाँ से यहाँ तक का अगर मैक्सिमम देख लूँ तो मैं डब्ल्यू, तो मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गई मेरी, यू इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया ऑफ द लॉड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरा, हाफ इंटू डेल्टा इंटू में डब्ल्यू, और हाफ इंटू में डेल्टा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डब्ल्यू एल बाय ए इंटू में डब्ल्यू, और सॉल्व करके आपको स्ट्रेन एनर्जी जो फॉर्मूला मिलता है वो है डब्ल्यू एल डब्ल्यू स्क्वायर एल बाय टू ए। ये होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का केस में। क्या मिलेगी हमें डब्ल्यू, यहाँ पे दी भी है, क्या मिल जाएगी हमें डब्ल्यू स्क्वायर एल बाय टू ए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ए ही आ गया। अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया ऑफ द बार से, और ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड भी करूंगा, तो डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू बाई ए का स्क्वायर मेरा हो जाएगा एफ स्क्वायर, और ए इंटू में एल क्या हो गया, वॉल्यूम, ये इंटू है वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टू, ए तो मेरा ऊपर चला गया, बाय ई। जो ये एफ है, यहाँ पे एफ क्या लिया मैंने, एफ लिया है डब्ल्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। डेल्टा क्या था यहाँ मेरा, डेल्टा मुझे पता है क्या होता है, डब्ल्यू एल बाय ए, यही तो है अभी चेक आउट किया था हमने। तो यहाँ से डब्ल्यू क्या आ जाएगा मेरा, डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय एल। अगर मैं इस डब्ल्यू की जगह ये पुट कर दूं तो मेरा यू का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ डेल्टा का स्क्वायर ए बाय एल। ये भी फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का, क्या आ गया आपका, ए डेल्टा स्क्वायर बाय टू एल। ये तो था केस ग्रेजुअली अप्लाई लोड का। अगर मैं सडनली, जिसको हम कहते हैं एकदम से अप्लाई करना, जैसे ये था स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो हम चेक करते हैं सडनली के केस में क्या होगा। जैसे ही मैंने डब्ल्यू अप्लाई किया एकदम से डिफ्लेक्शन आएगी, वहां तो धीरे धीरे डेल्टा आनी थी, यहाँ डिफ्लेक्शन एकदम से आएगी, शार्पली आएगी। तो स्टार्टिंग में जीरो ना मिलके मुझे क्या मिलेगा, सीधा डब्ल्यू। तो मेरा डायग्राम डिफ्लेक्शन का इस प्रकार आ गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये डेल्टा। ग्रेजुअली सडनली अप्लाई लोड और ग्रेजुअली अप्लाई लोड में यही डिफरेंस है। ग्रेजुअली अप्लाई लोड में डिफ्लेक्शन क्या होती है मेरी, डब्ल्यू एल बाय ए, बट जैसे ही सडनली अप्लाई लोड आ जाता है तो मेरी डेल्टा क्या हो जाती है, डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, टू। इनके बारे में डीप में कि ये डिफ्लेक्शन कैसे आई है पढ़ेंगे हम सोम, जब हम सोम के लेक्चर करेंगे नेक्स्ट सीरीज, जब चलाएंगे सोम की, उसमें हम देखेंगे डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल बाई ए टू डब्ल्यू एल बाई ए कैसे होता है। अगर यहाँ कराने लग गए तो टॉपिक से भटक जाएंगे। तो यहाँ की अगर स्ट्रेन एनर्जी निकाले, स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गई, वही यहाँ पे डब्ल्यू इंटू में डेल्टा होएगा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग गया, वहां ट्रायंगल का लगा था, तो डब्ल्यू एज इट इज डब्ल्यू, और ये हो गया टू डब्ल्यू एल बाय ए, तो आपका आंसर आ गया टू डब्ल्यू स्क्वायर एल बाय ए। ये आ गया सडनली अप्लाई लोड के केस में। अगर इसका भी फॉर्मूला मैं वैसे ही करूं, इसको भी तो कर सकता हूं, एफ निकालने की कोशिश करूं, तो एफ क्या हो जाएगा मेरा, डब्ल्यू टू डब्ल्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मेरा क्या होगा यहाँ पे एफ, जो कि मैंने लास्ट केसेस के हिसाब से। आप इसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, डब्ल्यू की जगह ये ए डेल्टा बाय टू एल पुट करके, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे। तो अब हम इनसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद हमने कंक्लूजन निकाला क्या, स्ट्रेस ड्यू टू सडनली अप्लाई लोड इज ट्वाइस दैट ऑफ ग्रेजुअली अप्लाई लोड, की जो स्ट्रेस सडनली अप्लाई लोड में वो ट्वाइस होता है ग्रेजुअली अप्लाई लोड केस।
सडनली अप्लाई लोड से इलोंगेशन, जिसके कारण इलोंगेशन भी क्या होगी, सडनली अप्लाई लोड में ज्यादा मिलेगी ग्रेजुअली अप्लाई लोड से, ट्वाइस होगी, और उसी के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सडनली अप्लाई लोड इज फोर टाइम्स मोर देन, मोर है ये, फोर टाइम्स मोर देन ग्रेजुअली अप्लाई लोड। ग्रेजुअली अप्लाई लोड से चार गुनी ज्यादा स्ट्रेन, आपको क्लियर हो भी रही होगी, ये 2WL² / AE मिला, और मुझे पिछले केस में क्या मिला था, ½WL² / AE, ½WL² / AE, तो ये फोर टाइम्स हो गई इसकी। अगर इंपैक्ट का केस ले कि एकदम से जैसे कोई बॉडी है और उस पर हथौड़ी वगैरह मारते, तो उस केस में क्या होगा, पहले तो इंपैक्ट होता है कि एक डायनेमिक एक्शन ऑफ मूविंग लोड, जैसे ये W लोड है, एकदम से ये हाइट h से मैंने इसके ऊपर गिरा दिया, और पहले ये यहाँ पे था, पूरा टोटल यहाँ तक थी ये, और अब ये डिक्रीज होके नीचे आ गई, मीन्स इस बार में डेल्टा डिफ्लेक्शन आ गई, तो उसको कहेंगे इम्पैक्ट लोड डाला हमने, अचानक से ये W लोड डाल दिया, तो इस केस में जो मेरी स्ट्रेन एनर्जी वो क्या होगी, इस W लोड में जो ये H है प्लस ये डेल्टा, और जब इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया, AE.Δ²/2L, ये फॉर्मूला जो थर्ड वाला हम कंसिडर करके चल रहे थे। अगर मैं डेल्टा स्टैंडर्ड ले लूँ WL/AE, एज यूजुअल होता है WL/AE होता है, तो इलोंगेशन एक्सप्रेशन आपकी होती है डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा स्टैंडर्ड प्लस रूट ऑफ डेल्टा स्टैंडर्ड के स्क्वायर प्लस टू डेल्टा स्टैंडर्ड डॉट एच। अगर ये एच जीरो हो, मैं आपके लिए कंडीशन ले रहा हूँ, अगर एच क्या कर दूं मैं जीरो, तो डेल्टा क्या रहेगा मेरा, ये जीरो हो जाएगी होल टर्म, डेल्टा स्टैंडर्ड के स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टैंडर्ड प्लस डेल्टा स्टैंडर्ड ट्वाइस ऑफ डेल्टा स्टैंडर्ड, और डेल्टा स्टैंडर्ड क्या मेरा WL/AE, तो ये हो जाएगा 2WL/AE, तो 2WL/AE किसका केस हो गया फिर से, सडनली अप्लाई लोड का, तो जिस समय डेल्टा जीरो हो जाएगा तो वो सडनली अप्लाई लोड का केस बन जाएगा H इक्वल्स टू जीरो पे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे डिफरेंट की स्ट्रेन एनर्जी निकालते कैसे है, सडनली अप्लाई लोड, ग्रेजुअली अप्लाई लोड और इम्पैक्ट लोड के केस में। नेक्स्ट है अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन पढ़ना है, तो कैस्टिगलियानोज थ्योरम। इसने क्या किया था, इन्होंने थ्योरम दी थी दो, उन दोनों थ्योरम पे ही क्या है, सारा कुछ आधार है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, रोटेशन निकाल सकते हैं, रिडंडेंट मेंबर में फोर्सेज निकाल सकते हैं, तो देखते हैं कैसे। इनकी जो पहली थ्योरम थी वो कहती है द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल स्ट्रेन एनर्जी का अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझे लोड मिल जाएगा उस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने डिफ्लेक्शन दिया था, जहाँ से ये वही कह रहा था, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट गिव्स लोड स्ट्रक्चर, लोड इन द स्ट्रक्चर। कैस्टिगलियानोज की थ्योरम की इतनी एप्लीकेशन नहीं है जितनी टू की है, तो टू क्या कह रहा है, टू इसका एकदम रिवर्स है, इसने कहा फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी का ही फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, वहां पे डिफ्लेक्शन के साथ क्या था, यहाँ पे लोड के साथ, विद रिस्पेक्ट टू अ लोड इन अ स्ट्रक्चर एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ उस लोड पे जो स्ट्रेन एनर्जी आई, अगर उसी स्ट्रेन एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू लोड मैं क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मुझे क्या मिल जाएगा वहां पे, डिफ्लेक्शन। इसका बहुत ज्यादा यूज है और मैं कहूंगा ये तो 5-स्टार इक्वेशन है, बहुत ज्यादा यूज है, डायरेक्ट एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कैस्टिगलियानोज थ्योरम की, कह रहा है सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, टू फाइंड डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, मान लो ये आपके लिए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसपे लोड लगा हुआ है W1, W2, W3, और मुझे किसी पॉइंट का मुझे क्या निकालना है, इसमें डिफ्लेक्शन निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्ट्रेन एनर्जी निकालूंगा उस पॉइंट पे, और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मेरा, जो लोड लग रहा है, लोड यहाँ पे WW अलग है, तो इन सब का मैंने रिजल्ट ले लिया, मान लो P² L/2AE, जनरल तो यही होती है इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लेके चलेंगे हम, सडनली अप्लाई लोड वाले लेके नहीं चलेंगे, ग्रेजुअल वाले, तो P² L/2AE ये मेरी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी, टोटल समेशन इसी का हो जाएगा मेरा, स्ट्रेन एनर्जी में टोटल ये समेशन आ गया,
तो मैंने क्या करना है, डिफ्लेक्शन निकालना है किसी पॉइंट का, और डिफ्लेक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी कर्ली यू बाय कर्ली पी, यही तो कहा था कैस्टिगलियोनियस थ्योरम ने, कर्ली यू बाय कर्ली पी। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, पी स्क्वायर का हो जाएगा टू पी, पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू पी डॉट कर्ली पी बाय कर्ली डब्ल्यू। अब पी का फर्दर, पी तो रिजल्टेंट था तो वो डब्ल्यू के हिसाब से अलग होगा, डॉट एल बाय ट्वाइस ऑफ ए, वही है बाकी तो समेशन एज इज रहेगा क्योंकि जोड़ रहेगा, टू से टू कट गया। इस टर्म को मैंने कर्ली पी बाय कर्ली डब्ल्यू को के मान लिया, तो क्या हो गया, पी के एल बाय टू ए। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी, समेशन पी के एल बाय टू ए, यही डेल्टा है हमारा, यही डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला है, जहां पे पी तो क्या है, फोर्सेस इन डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स ड्यू टू अप्लाई लोड, जो अप्लाई लोड है इनके कारण जो आपको मेंबर्स शोन हो रहे हैं, इनमें जो फोर्सेस आएगा वो पी है, पी वन पी टू पी थ्री, और के क्या है, मेरे फोर्सेस इन ऑल द मेंबर ड्यू टू यूनिट लोड। हम क्या करेंगे, इन लोड्स को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और इनकी जगह क्या अप्लाई कर देंगे, यूनिट लोड। देखते हैं कैसे, समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, एक्सप्लेनेशन आपके सामने ही है। ये आपको एक ट्रस दी हुई है, यहाँ पे डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, तो डब्ल्यू लोड लगा है, ये 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो मैंने इस डब्ल्यू की जगह क्या अप्लाई कर दिया, 1 किलो यूनिट लोड, अभी भी ये क्या है, 45 डिग्री एंगल ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल है तो ये हो जाएगा √2, और यहाँ पे ये होएगा W√2। ए बी मेंबर की बात हो रही है, इसमें आ गया W√2, वहां पे क्या आ गया, W√2। तो अगर मैं एफ ए बी की बात करूं, फोर्स इन मेंबर ए बी क्या है मेरा, W√2, जो कि किसके बराबर हो गया, किलो न्यूटन के बराबर। ये हो गया मेरा K। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं तो P इंटू के W इन √2 इंटू में K, K कितना है √2, इंटू में L, L भी कितना आएगा √2, डिवाइडेड बाय AE, पी के एल बाय टू ए। तो ये आ गया मेरा, पी के एल बाय ए से सॉल्व करोगे तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ W√2 AE। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्लेक्शन निकाली कैसे है, तो डिफ्लेक्शन आ गई ए बी मेंबर की। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, क्वेश्चन आपको शो कर रखा है, फॉर द ट्रस शोन इन द फिगर फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट जॉइंट बी। जॉइंट बी पे मैंने वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, जो न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आए हैं वो वर्टिकल रिफ्लेक्शन निकालना है, जॉइंट बी पे नहीं है, जॉइंट ए पे निकालेंगे क्योंकि बी और सी तो क्या है, यहाँ पे फिक्स है, तो जॉइंट ए पे की बात हो रही है, फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट जॉइंट ए। ये 10 किलो न्यूटन इसमें लग रहा है, तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है मेरा, पी के एल बाय ए, पी के एल बाय ए, ये मेरा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। तो मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे पी निकालना है, के निकालना है, और ए तो रिजिडिटी है, वो तो एज इट इज एंड तक लिखी होगी, अगर ए की वैल्यू दी होगी वो पुट करके हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो पी क्या है, पी वन पी टू पी थ्री, पी वन पी टू पी थ्री मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में मैंने क्या निकालना है, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन के कारण जो फोर्स आ रहे हैं, के क्या आएगा, 10 किलो न्यूटन को 1 से सब्सटीट्यूट करके मैं एक वैल्यू निकालूंगा और उसके बाद सॉल्व करूंगा। अगर मैं ए बी की बात करूं, लेंथ ए बी की, लेंथ ए बी क्या आ जाएगी मेरी, 1 मीटर, 1 मीटर तो ये हो गया √2 मीटर। देखते हैं क्वेश्चन, ये 10 किलो न्यूटन के हिसाब से जो पी की वैल्यू आएगी, ये 10 किलो न्यूटन का हिसाब लगा हुआ है, तो इसमें आ जाएगी मेरी समेशन, यहाँ इस पॉइंट पे मैंने क्या लगा दिया पहले, समेशन वाई इक्वल्स टू जीरो। तो जब समेशन वाई इक्वल्स टू जीरो लगाओगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करने पे 10 किलो न्यूटन √45 है ये, तो ये आ जाएगा 10 √2 किलो न्यूटन। और इसके कारण इस मेंबर में समेशन एक्स अप्लाई करोगे, समेशन एक्स इक्वल टू जीरो, मैं जॉइंट की बात कर रहा हूँ ए की, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 10 किलो न्यूटन। आई होप ये आ गए मेरे पी वन पी टू। अगर मैं के निकालूँ, के निकालने के लिए मैंने 1 किलो न्यूटन से सब्सटीट्यूट किया, सिमिलर
डायग्राम बनेगा और कुछ नहीं करना आपने। जहां 10 है, 10 इसको 10 से डिवाइड करके आया था तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, ये ट्रिक है √2। और इसमें क्या आ जाएगा मेरा 1। डायरेक्शन सेम रखना क्योंकि अभी डायग्राम एक टेबल बनेगा, इसमें अगर टेंशन है किसी मेंबर में टेंशन है तो मैंने वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, और कंप्रेशन है तो माइनस रखनी है। जैसे कि आपको इस मेंबर ए बी मेंबर में शो हो भी रहा है कि वो कंप्रेशन में, तो आइए देखते हैं मैंने जो टेबल तैयार की ये है। ए बी मेंबर में ये ए बी नहीं है, ये बी सी मेंबर है और ये ए बी मेंबर है। तो ए बी मेंबर में क्या है, 10 किलो न्यूटन, टेंसाइल पॉजिटिव, के की वैल्यू 1, एल है 1, तो पी के एल क्या हो जाएगा, पी के एल अगर मैं यहाँ लिखूं तो 10 × 10 × ये हो गया 10। बी सी मेंबर, ए बी मेंबर की बात करें तो -10√2। माइनस क्यों आया, क्योंकि मेंबर में फोर्सेस क्या है, कंप्रेसिव, तो इसलिए माइनस आ गया। के बी क्या है, -√2, और लेंथ क्या है, √2, तो सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, 20√2। ये आ गया मेरा पी के एल। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, समेशन पी के एल बाय ए, जो कि किसके बराबर हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे आपको √2 की अगर वैल्यू में पुट कर दूं तो आएगा आपको 28.828 सॉल्व करके, और 28.28 + 10 हो गया 38.28। ए कॉन्स्टेंट है तो बाय ए, ये ए लिखना मत भूलना। ये आ गया मेरा डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही है डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी, अगर मैं के को अलग कर दूं तो पी इंटू एल ही है जो कुछ है, के की वैल्यू ही मल्टीप्लाई हो रही है। देखो 10 × 1 × 1 10 आ गया, -10√2 × √2 हो गया -20√2, -20 - √2 हो गया +20√2। तो मैं फॉर्मूला डेल्टा के लिए एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ। डेल्टा जो मैंने ये कहा है समेशन पी के एल, ये एक ट्रिक है, बाद में हेल्पफुल होगी, पेपर क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट होता है, पी के एल बाय ए। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ समेशन के डॉट डेल्टा, जहाँ पे ये जो डेल्टा है ये डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स में, हर एक मेंबर में, अलग अलग मेंबर में, जैसे बी सी मेंबर, ए बी मेंबर, इनमें जो डिफ्लेक्शन आ रही है, यानी कि पी इंटू एल है ये, बस क्या है ये पी इंटू एल। अगर यही चीज जो ये डेल्टा है पी इंटू एल बाय ए, ये डेल्टा क्या है मेरा पी एल बाय ए, तो यही डेल्टा अगर मैं टेम्परेचर राइज की बात करूं या टेम्परेचर डिक्रीज की बात करूं, टेम्परेचर वेरिएशन जब आ जाए तो इस डेल्टा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अल्फा टी एल। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा टी एल। अगर एक बॉडी पे दोनों ही लोड लग रहे हो, लोड भी अप्लाई हो रहा है, टेम्परेचर चेंजेस भी आ रहा है, तो फिर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, डेल्टा क्या हो जाएगा, अपने आप ही समेशन के Δ1 + Δ2। इसको ये वाला डेल्टा ले लेते हैं, दूसरे वाला इजी रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पे Δ1 क्या है, लोड के कारण, जो कि है पी एल बाय ए, और Δ2 क्या है, टेम्परेचर राइज के कारण या कम के कारण, तो वो है अल्फा टी है। तो जब दोनों चीज एक साथ इफेक्ट में आती है तो दोनों का भी समेशन हो जाता है, सुपर इम्पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यूज होता है। फिर इसके हिसाब से भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पेपर में आया हुआ है, गेट के एग्जाम में आया था, ये कह रहा था मेंबर ई जे, जो मेंबर है, मेंबर क्या है, ई जे नहीं है, बी सी मेंबर की बात हो रही है, बी सी और सी डी, द मेंबर बी सी एंड सी डी, बी सी और सी डी ऑफ स्टील ट्रस एज शोन इन द फिगर आर सब्जेक्टेड टू अ टेम्परेचर राइज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में टेम्परेचर राइज है, यानी कि मुझे टेम्परेचर का इफेक्ट दे दिया है, तो मैंने अल्फा टी एल यूज करना है। अल्फा की वैल्यू आ गई 12 × 10⁻⁶ mm/mm °C। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट ई रिलेटेड टू एच, ई का डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मैंने, जो एच के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एच ई, एच
ई नहीं है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई अलोंग बीई, अलोंग बीई मीन्स मुझे ये डिफ्लेक्शन निकालनी है इसके अलोंग यहाँ पे। तो एक बार डिफ्लेक्शन का पढ़ लेते हैं, ये भी कैस्टी गैलियोनी उसकी सेकंड एप्लीकेशन है, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर हमें निकालनी हो, इफ वी वॉन्ट टू फाइंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पॉइंट बी एंड ई, मैं यहाँ पे बी ई के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ कि बी और ई की एक दूसरे के साथ क्या डिस्प्लेसमेंट है। अप्लाई यूनिट लोड्स एट बी एंड ई, क्या करूंगा मैं बी ई पे यूनिट लोड्स अप्लाई कर दूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ बी ई, बी ई की डायरेक्शन में मैंने क्या अप्लाई कर देना है यूनिट लोड, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया भी है मैंने करके, और डायरेक्शन क्या रहेगी हमेशा आउटवर्ड, टेंसाइल लेना हमेशा, आप कंप्रेसिव भी मान सकते हो, उसी हिसाब से आपके साइन चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी ई मैंने जो ये दिखाई है यूनिट लोड मैंने अप्लाई कर दिया एज शोन इन द फिगर, फोर्सेज इन ऑल मेंबर ड्यू टू दिस यूनिट लोड्स आर कैलकुलेटेड, इस यूनिट लोड अप्लाई करने के कारण इन सारे मेंबर्स में मैं फोर्सेज निकालूंगा जो कि के वैल्यू देंगे, और उसके बाद मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगा, और वही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखूंगा डेल्टा बी ई यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई समेशन पी के एल बाय ए ई, पी के एल बाय ए ई फॉर्मूला वही रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, पी के एल बाय ए ई, जो पी है वो फोर्सेज है जो अप्लाइड लोड है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इनके कारण, और जो के है वो अप्लाइड लोड हटा के यूनिट लोड लगाने से है। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन जो हमने अभी छोड़ा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है वही कि द मेंबर बी सी एंड सी डी ऑफ स्टील ट्रस आर शोन इन द फिगर, ये आपको दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया ये बी सी है और सी डी है, इन पे अल्फा दिया हुआ है, टेम्परेचर राइज दिया हुआ है, सारा कुछ दिया है, बी का निकालना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू ई, तो विद रिस्पेक्ट टू ई निकालना है। यहाँ पे एक चीज समझो, अल्फा क्या दे रखा है 12 × 10⁻⁶ mm डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये है कि ये mm काट भी दूं तो अल्फा क्या है 12 × 10⁶ डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे अल्फा एक स्ट्रेन शो कर रहा है, एमएम पर एमएम लिखने का मतलब है कि अल्फा के कारण स्ट्रेन आया है, मीन जो डेल्टा है अल्फा टीएल, तो ये इसलिए एमएम पर एमएम लिया है मैंने, ताकि वो डेल्टा क्या डेल्टा को शो कर पाए, स्ट्रेन को शो कर पाए, ठीक है। तो अब निकालते हैं मैंने क्या करना है, बी और ई पे यूनिट लोड अप्लाई कर देना, ये हो गया यूनिट लोड बी और ई पे अप्लाइड यूनिट लोड, अब इस यूनिट लोड के कारण मैंने क्या निकालना है इनमें डिफ्लेक्शन, तो इतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे डिफ्लेक्शन दो में ही पता है, अगर मैं बीसी ले लूँ, बीसी में डिफ्लेक्शन क्या है अल्फा टीएल, क्योंकि इसी में राइज है बाकी सब में किसी में राइज नहीं, जीरो एक तो बीसी में और एक सीडी में, डेल्टा सीडी, बीसी का अल्फा कितना है वही 12 × 10⁻⁶ इंटू टेम्परेचर राइज कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, और बी सी की लेंथ कितनी है 3000 mm, सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा 1.08, ये आ गया डेल्टा बी सी। सिमिलरली इसका अल्फा तो वही है, टेम्परेचर राइज भी 30 है, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी 30√3000√2, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर है, तो इस बार डेल्टा सी डी क्या हो जाएगा 1.527 mm, तो ये दोनों डिफ्लेक्शन आ गई मेरी। अब मुझे क्या निकालना है के, डिफ्लेक्शन आ गई तो अब मैं क्या निकालूंगा के, के की वैल्यू निकालने के लिए मैंने यूनिट लोड अप्लाई किया, यहाँ पे इन मेंबर्स का कोई वो नहीं है रोल, ये जीरो जीरो हो जाएंगे इस यूनिट लोड के कारण इन दोनों में, तो इसमें कितना आ गया मेरा इसी मेंबर में इस यूनिट लोड के अप्लाई करने से ये 3000 ये 3000 ये 45 डिग्री, तो जब अप्लाई करोगे 1 sin 45 1 × sin 45 तो 0.707, और 1 × cos 45 तो हो गया 0.707, इसमें भी बराबर क्योंकि 45 है, यहाँ भी कंप्रेसिव, सिमिलरली यहाँ पे भी कंप्रेसिव,
जितना लोड इसमें आया उतना इसमें आएगा, तो ये भी 0.707। और सिमिलरली यहाँ पे भी, तो इन चारों के चारों मेंबर में मुझे क्या मिल गया, 0.707। तो बाकी मेंबरों में मिले या कुछ भी हो, क्योंकि मुझे बाद में डिफ्लेक्शन टोटल निकालना है, जो कि क्या होगा के डॉट डेल्टा। ये डेल्टा कौन सा है मेरा, ये वाला डेल्टा, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो ये डेल्टा जो है ये सिर्फ एक ही मेंबर में, मुझे बीसी में पता है, बाकी सब में तो जीरो है, इनमें कुछ भी हो और इसमें ये जीरो है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.707। ये कौन सा डेल्टा है, बी सी का, मल्टीप्लाई बी सी का। अगर मैं इस के, ये के की वैल्यू आई या बी सी की डेल्टा की बात करूं, तो वो है 1.08। टोटल समीशन यही आएगा, अगर बाकी सबको मल्टीप्लाई करोगे आपका जीरो आता चला जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, -0.764। अब ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि के यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिव, तो माइनस लग गया। और यहाँ माइनस ये शो कर रहा है कि जो मैंने यूनिट लोड का जो डायरेक्शन लिया है वो गलत लिया है, टेंसाइल की बजाय मुझे कंप्रेसिव लेनी चाहिए थी, तो मेरा क्या आ जाता आंसर, प्लस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन कैस्टिगलोनियस थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन है, अगर हमें चाहिए रोटेशन किसी भी मेंबर की, मान लो मुझे जीएफ मेंबर की रोटेशन चाहिए, जीएफ मेंबर ये है तो ये मेरे को रोटेशन चाहिए, और इसकी लेंथ अगर ए है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कपल अप्लाई कर दूंगा 1/a का, कपल ये अप्लाई कर दिया मैंने जीएफ मेंबर पे, कपल मींस मैंने मूवमेंट अप्लाई करा दी, दोनों के साइन देखो अपोजिट है, ये आउटवर्ड है ये इनवर्ड है, तभी ये कपल बोलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे किसी मेंबर का रोटेशन जाननी है, तो मैं उसी मेंबर पे एक कपल अप्लाई करा दूंगा, और उसके बाद कपल अप्लाई कराने के बाद मैं रोटेट के वैल्यूज निकालूंगा, फाइंड द फोर्सेज इन मेंबर ड्यू टू दीज टू फोर्सेज, उसको कहेंगे हम के वैल्यूज, और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करके मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर। और जो कि क्या होगा, रोटेशन की बात करें, रोटेशन को किससे शो करते हैं हम, डेल्टा से, जी एफ की बात हो रही है, फॉर्मूला फिर भी वही रहेगा क्या, समेशन पी के एल बाय ए, ये आ गया मेरा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, फॉर द ट्रस्ट शोन इन द फिगर रोटेशन ऑफ मेंबर ए बी, ए बी मेंबर की रोटेशन मुझे बतानी है, 3000 दे रखी है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम ही क्या है, कपल अप्लाई करा देना है ए बी मेंबर पे, तो ये करा दिया मैंने कपल अप्लाई, जो क्या होगा 1/a, यानी कि 1/3000, 1/3000। इस 1/3000 के कारण जो मैंने ये अप्लाई कराया है, तो अगर मैं कहूं कि ए बी में क्या लोड आएगा, जीरो, क्योंकि वर्टिकल लोड तो कुछ है ही नहीं, ए बी में जीरो, सी डी में जीरो। अब ए बी में आया है तो इस मेंबर में कितना आएगा, जो ये है ये आउटवर्ड है, तो ये भी आउटवर्ड होगा, जितना मेंबर इसमें, जितना लोड बाहर आउटवर्ड, उतनी 3000 यहाँ, इसी के कारण यहाँ पे भी रिएक्शन कितनी आ जाएगी, 1/3000। ये मेरा हो गया एनालाइज बीम आधा। सिमिलरली ये इनवर्ड है तो ये भी ऐसे, ये कंप्रेसिव है, ऊपर ये टेंसाइल था, 1/3000। तो आपको समझ में आ गया होगा, अप्लाई लोड करने से मेरे ये फोर्सेस आ गई, ये मेरे को किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू मिल चुकी है। अब डेल्टा चाहिए मुझे, डेल्टा दे रखा है आपको, अगर डायग्राम को देखें, ये डेल्टा की वैल्यू दी हुई है आपको, कि ए बी मेंबर -2 mm, ए डी की -2 mm माइनस, यानी कि कंप्रेशन शॉर्ट पड़ गया है, ये एक्स्ट्रा हो गया इलोंगेशन, +4 mm, 0 mm, सी डी एज इट इज है। सी डी में क्यों एज इट इज है, क्योंकि ये पिन जॉइंटेड है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ सकती, तो इस करके ये जीरो है। तो मुझे क्या क्या मिली हुई है, आपको के की वैल्यू दी हुई है, एडी मेंबर के लिए के की वैल्यू क्या है, +1/3000, टेंसाइल है इस करके प्लस, और डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है वहां पे, -2 mm, तो के इंटू डेल्टा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -2/3000, ये के इंटू डेल्टा मिल गया। अब बी डी, ए डी मेंबर हो गया, मुझे ए बी मेंबर का भी चाहिए, ए बी का ना ले तो कोई फर्क नहीं, जीरो है, सी डी का, तो डायरेक्ट किसका ले लेते हैं, बी सी का, बी सी में भी मेरी डिफ्लेक्शन क्या है, 1/3000, बट अब कंप्रेसिव है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस, और डिफ्लेक्शन क्या शो हो रहा था यहाँ, 4/+4 mm,
सॉल्व करके आ गया माइनस 4/3000। तो टोटल रोटेशन कितनी आ गई इन दोनों का जोड़, तो टोटल रोटेशन आपको कितनी मिलेगी जब सॉल्व किया तो माइनस 6/3000 या कहो माइनस 2 × 10^-3 रेडियन, या आपको डिफ्लेक्शन मिल गई ए बी में। आई होप आपको डिफ्लेक्शन निकालने भी आ गई, इतनी आसान हो। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, इजी से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये माइनस 2 mm यहाँ दे रखा है, इतना बड़ा ना करे, ये कितना दे दिया 4 mm। तो अगर इसको इस प्रकार से बनाऊं, ये माइनस 2 mm है, ये 4 mm है, इधर प्लस कर दिया तो ये टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक 6, और यहां से यहां तक कितना है ये 3000। तो टेन थीटा निकालना आता है, टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 6/3000। ये सिर्फ हमें वैल्यूट्यूड मैग्नीट्यूड बताएगा, नेगेटिव साइन नहीं बताएगा प्लस माइनस का। तो मुझे टेन थीटा से मेरे को थीटा कितना मिल जाएगा 6/3000, तब भी आंसर कितना आना है 2 × 10^-3 रेडियन, और यहाँ टेन थीटा को थीटा के इक्विवेलेंट मान लेंगे 6/3000। ये एक ट्रिक है, हर एक में एप्लीकेबल होगी जो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आसानी के लिए, और यही निकालते हैं 30 सेकंड के अंदर गेट में, यही हेल्पफुल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन कैस्टिगलोनी की, और सबसे इम्पोर्टेंट इस थ्योरम की, थ्योरम टू की जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन वो यही है कि अगर मुझे किसी रिडंडेंट मेंबर में फोर्सेज निकालने हैं, तो रिडंडेंट कैसे, पहले तो चेक करें क्या ये रिडंडेंट है भी या नहीं। अगर इस ट्रस को देखें, यहाँ कितने मेंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल मेंबर कितने हो गए 6, और 2j-r जो कि r क्या है 3 के बराबर, 2 × j, j कितना हो गया मेरे 1 joint 2 joint 3 4, ये joint नहीं है क्योंकि ये मैंने पूरे मेंबर कंसीडर किए हैं, 2 × 4 माइनस r कितनी है 3, जो कि 4 × 2 = 8 − 3 = 5। यहाँ पे मेंबर ज्यादा आ रहे हैं रिएक्शन से 2j, तो वो कौन सी कंडीशन थी हमारी रिडंडेंसी की, तो m इज ग्रेटर देन 2j − 3, तो एक मेंबर रिडंडेंट कर सकता हूं मैं कोई सा भी, मान लो मैंने अगर इसको नाम दूं a b c d, तो मैंने ए सी मेंबर को क्या कर दिया रिडंडेंट। अगर ए सी मेंबर को मैंने रिडंडेंट कर दिया, ये शो किया आपको ए सी को रिडंडेंट किया है, तो मैं इसको किस तरीके से, अगर मैं लोड के हिसाब से चलूंगा तो मुझे मिलेगा P, इस समय ये रिडंडेंट ट्रस है, मैं क्या करूंगा, पहले तो मैंने AC रिमूव किया और उसकी जगह क्या अप्लाई कर दिया फोर्स X। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं दो भागों में सॉल्व करूंगा, पहले सिर्फ P फोर्सेस के लिए मैंने X को रिमूव किया और पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया मेरा डिटर्मिनेंट ट्रस और P के, जैसे हमने अभी पहले एग्जांपल में देखे थे उसके हिसाब से मैंने P की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद मैंने दोनों लोड हटा दिए और X की जगह क्या अप्लाई कर दिया 1 यूनिट लोड, यहाँ पे 1 यूनिट लोड दोनों जगह, और ये क्या दे देगा मुझे K वैल्यूज, अभी ये मेरे को क्या देगा K वैल्यूज। तो बाद में जो फोर्स मुझे मिलेगा हर एक मेंबर में वो क्या मिलेगा, हर एक मेंबर में P+KX, अब P+KX मिलेगा, और इसके X की वैल्यू क्या है वो अभी देखेंगे हम आगे। P+KX मिलेगा तो मेरा U क्या हो जाएगा समेशन, पी स्क्वायर होता था, पी स्क्वायर की जगह अब क्या हो जाएगा P+KX का होल स्क्वायर L बाय ए ट्वाइस ऑफ ए। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ली U बाय कर्ली P, P यहां पे क्या है P+KX, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा P+KX ट्वाइस ऑफ P+KX। अब इसका टू जब हम करेंगे तो वो भी होएगा कर्ली P+KX बाय कर्ली W, जिसको मैं क्या मान लूंगा K बाय L डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए ही, और टू से टू कट जाएगा तो वही आ जाएगा फिर से जो हमने पहले देखा था माइनस एक्स डॉट एल बाई ए। अब ये एक्स क्या है,
एक्स मैंने इस पूरे की जगह लिख दिया, पी प्लस के एक्स डॉट के की जगह मैंने एक्स लिख दिया कैपिटल एक्स, इसको कहते हैं हम कंपेटिबिलिटी कंडीशन। अब यहां मैंने माइनस क्यों लिखा है, यहाँ माइनस इसलिए अप्लाई किया क्योंकि जो मैं साइन डिफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूँ, साइन मैंने क्या यूज किया डिफॉर्मेशन के लिए, टुवर्ड्स द मीन्स कंप्रेसिव यूज कर रहा हूँ, इस करके मैंने यहाँ क्या लिया है माइनस। आप इसको प्लस ले सकते हो टेंसाइल अप्लाई करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब ये कंपेटिबिलिटी कंडीशन क्या है, ये मैंने कंपेटिबिलिटी कंडीशन लिखी है। अब होती क्या है कंपेटिबिलिटी कंडीशन, तो मान लो एक आपको प्रिज्मेटिक बार दी हुई है जिसमें मैंने आर ए भी अप्लाई किया तो ये रिएक्शंस आए हैं, मैंने सिर्फ पी फोर्स अप्लाई किया था, इस पी फोर्स के कारण ए पे आर ए रिएक्शन क्रिएट हुई, बी पे आर बी रिएक्शन क्रिएट हो गई। तो जो ए सी में मेंबर ऑफ ए सी में इलोंगेशन होगी, इलोंगेशन ऑफ मेंबर ऑफ ए सी इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मेंबर बी सी, तो आर ए प्लस आर बी किसके बराबर हो गई, पी के बराबर, इसी को कहते हैं हम कंपेटिबिलिटी कंडीशन। और जो इक्वेशन आपको यहाँ दी हुई थी, अगर मैं यहाँ से एक्स निकालूं तो मेरा एक्स क्या आ जाएगा, समेशन पी के एल बाय ए डिवाइडेड बाय समेशन के स्क्वायर एल बाय ए, ये कहाँ से सॉल्व करके आई है, इसको सिर्फ सॉल्व करके आई है, पी प्लस के एक्स डॉट के को सॉल्व करके जब आई है ये आई है आपको, और माइनस किसके लिए है क्योंकि साइन अपोजिट लिया है, अगर ए ई ए ई बराबर हो तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये इक्वेशन ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फॉर द ट्रस शोन इन द फिगर द रिडंडेंट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सी, सी पे मुझे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी है रिडंडेंट, जो कि रिडंडेंट है मीन्स एफ सी की वैल्यू निकालनी है, फोर्स पी दिया हुआ है सिमेट्रिकल है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है आपको, ये भी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो सिमेट्रिकल बीम हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये पी है तो दोनों जगह क्या हो जाएगी रिएक्शन पी बाय टू, पी बाय टू। ये पी बाय टू दोनों जगह रिएक्शन हो गई। अगर मैं इसकी रिडंडेंसी निकालने की कोशिश करूँ तो आप कैसे निकालोगे, स्टैटिक डिटरमिनेंसी निकालने का फॉर्मूला है डी एस सी इक्वल्स टू आर माइनस एस, ये भी अभी डीप में बताएंगे कैसे स्टैटिक डिटरमिनेंसी निकालते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल क्या क्या फॉर्मूला है, तो ये डी एस सी क्या हो गया फॉर्मूला हमारा आर इन माइनस एस, आर मीन्स टोटल रिएक्शन, आर क्या होती है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, यहाँ कितनी अननोन रिएक्शन है फोर, और माइनस एस क्या है इक्विलिब्रियम अवेलेबल वो कितनी होगी मेरी थ्री, तो टोटल कितनी हो गया वन डिग्री स्टैटिक इनडिटरमिनेट, और वो वन डिग्री कौन सी होगी मेरी एच सी, यहाँ रिमूव कर दी जाएगी। फोर कैसे आया बी ए पे लग रहा है एच ए, बी ए लग रहा है, सिमिलरली एच सी और बी सी, तो ये चार रिएक्शंस है, यही है वो जो मैं कह रहा हूँ अननोन रिएक्शंस, तो ये चार माइनस थ्री हमारी इक्विलिब्रियम की कौन सी है, समेशन एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन वाई इक्वल्स टू जीरो और समेशन एम इक्वल्स टू जीरो, तो वन डिग्री क्या है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, तो एच सी को इनडिटर्मिनेट कर दिया हमने और इसी की वैल्यू निकालनी है, इसको किसके बराबर पुट कर देंगे एक्स के बराबर, तो इसको एच सी को रिमूव करेंगे और उसको किससे रिप्लेस कर देंगे एक्स से, और मैं बाद में फॉर्मूला क्या अप्लाई कर लूंगा एक्स इक्वल्स टू जो हमने अभी बात की है माइनस समेशन पी के एल बाय समेशन के स्क्वायर एल, ये इक्वेशन हम यूज कर लेंगे, जो पी है वो पी फोर्सेस ड्यू टू पी फोर्सेस के कारण, और के क्या के की वैल्यू क्या आएगी जब मैं पी फोर्स को हटा के एच सी की जगह क्या कर दूंगा वन यूनिट, या आपको आगे शो किया हुआ है मैंने पी फोर्स अप्लाई किया क्योंकि ये भी 60 डिग्री है ये भी 60 डिग्री है, तो दोनों जगह रिएक्शंस क्या आ जाएंगी मेरी एच बी ए और बी सी पी बाय टू दोनों जगह पी बाय टू जो हमने अभी देखी भी है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मेंबर को साइन रूल से करो कैसे भी करो, या ध्यान रखना क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हो जाती है पी बाय रूट थ्री, क्या हो जाती है पी बाय रूट थ्री, साइन रूल भी लगा सकते हो सी पॉइंट पे, मैं क्या लगा सकता हूँ समीशन वाई
एट सी इक्वल्स टू जीरो, समेशन y एट c जीरो करोगे तो तुम आप क्या निकल जाएगा, ऊपर ये फोर्स p है इसको नीचे ले लिया तो प्लस p बाय टू माइनस पी सी साइन 60 डिग्री या एफ बी सी सॉरी एफ बी सी साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा, सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा एफ बी सी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाती है रूट थ्री बाई टू, तो एफ पी सी कितना आ गया मेरा पी बाय रूट थ्री। सिमिलरली ए पी में भी निकल जाएगा मेरा, वो भी क्या हो जाएगा पी बाय रूट थ्री, और ए पॉइंट पे या सी पॉइंट पे अगर मैं साइन की जगह कोस ले लूँ एफ ए सी, वो एफ ए बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में समेशन एक्स सी इक्वल्स टू जीरो लगा दूँ तो मुझे एफ ए सी क्या मिल जाएगा पी बाय टू रूट थ्री, अब मिलेगा मुझे पी बाय टू रूट थ्री, क्योंकि अब कंसिडरेशन में क्या आएगा कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू यूज करेंगे तो हम क्या आ जाएगा मेरा पी बाय टू रूट थ्री, और जो कि क्या होगा टेंशन, हमेशा क्या है टेंशन, बाकी दोनों मैंने क्या लिए कंप्रेशन। नेक्स्ट काम मेरा पी वैल्यूज तो आ गई है तीनों में, पी तो निकल गए, अब नेक्स्ट काम मेरा क्या बचता है के निकालना, के लिए मैंने क्या करना है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अप्लाई करा देनी है वन रिएक्शन कंप्रेसिव, जिसके कारण इस मेंबर में क्या आ जाएगा फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स आएगा 1 kN का, तो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रिएक्शन कुछ लग नहीं रही है तो इन दोनों में क्या हो गया मेरा जीरो, क्योंकि ये वन का वन सारा का सारा किसने हैंडल कर लिया एसी मेंबर ने, तो मेरा ये हो गया। अब निकालना क्या है एसी मेंबर की बात करें बस एसी की, क्योंकि बाकी सब में तो मुझे क्या के जीरो मिला है तो कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, तो पी क्या है एसी में पी बाय टू रूट थ्री, और के की वैल्यू क्या है माइनस वन क्योंकि कंप्रेसिव है माइनस वन, लेंथ क्या है इसकी एल, तो पी के एल क्या हो गया पी के एल की वैल्यू आ गई मेरी माइनस पी एल बाई टू रूट थ्री, क्या आ गया माइनस पी एल बाई टू रूट थ्री, और के स्क्वायर एल क्या हो गया के स्क्वायर एल हो गया जीरो, माइनस वन का स्क्वायर वन सॉरी एल हो गया, के स्क्वायर एल की वैल्यू क्या हो गई खुद एल, तो पी के एल आ गया मेरा के स्क्वायर एल आ गया, तो समेशन एच सी निकल जाएगी, एच सी क्या होगी मेरी एक्स के बराबर, और एक्स की वैल्यू क्या है माइनस पी के एल, पी के एल है माइनस खुद अपने आप में एक और माइनस आ रहा है माइनस पी एल बाय टू रूट थ्री बाय एल, एल से एल कट गया माइनस से माइनस, आंसर क्या आ गया एक्स का पी बाय टू रूट थ्री किलो न्यूटन, और मैंने कंप्रेसिव माना हुआ है सॉरी रिएक्शन की बात हो रही है तो ये आ गई मेरी पी बाय टू रूट थ्री किलो न्यूटन, समझ में आ गया, यही हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रिडंडेंट रिएक्शन जो हमें निकालनी थी। आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉर द ट्रस शोन इन द फिगर पी क्यू इज शॉर्ट बाय 3 mm, पी क्यू को शॉर्ट कर दिया 3 mm से, छोटा कर दिया ये ट्रस जो आपके सामने दिखाया गया है, यहाँ पे कोई मेंबर अप्लाई नहीं है, ये मेंबर अप्लाइड नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट आर निकालनी है, जॉइंट आर की एमएम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बताना है आपने सिर्फ, तो इसको सॉल्व करें, नेक्स्ट वीडियो में इस न्यूमेरिकल को दोबारा देखेंगे, तब तक आप सॉल्व करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।